सारे जमाने में बड़े ही खूब हो मखदूम तुम, दुनिया के हर इंसान को मरगूब हो मखदूम तुम। दोनों जहां में क्यों न हो हर दम तुम्हारी धूम धाम, अल्लाह के महबूब हो मखदूम तुम। दोनों जहां में क्यों ना हो हर दम तुम्हारी धूम धाम, क्योंकि अल्लाह के महबूब हो मखदूम तुम। इसीलिए तो जनाब आतिफ सैदपुरी अपने मतले में कहते हैं, सुनो आतिफ ये सच्ची दास्तां, मखदूम अशरफ की सुनो आतिफ ये सच्ची दास्तां, मखदूम अशरफ की। जमाने भर पे अजमत है आया मखदूम अशरफ की, जमाने भर पे अजमत है आया मखदूम अशरफ की, जमाने भर पे अजमत है आया मखदूम अशरफ की। सुनो आतिफ ये सच्ची दास्तां, मखदूम अशरफ की। सुनो आतिफ ये सच्ची दास्तां, मखदूम अशरफ की। जमाने भर पे अजमत है आया मखदूम अशरफ की, जमाने भर पे अजमत है आया मखदूम अशरफ की, जमाने भर पे अजमत है आया मखदूम अशरफ की। हजरात पहला बंद यहां से हम शुरू कर रहे हैं, बगौर होकर समाज फरमाएं। कहना है, मुकद्दस जात है मखदूम की, हर शख्स को प्यारी अदाएं आपकी, अल्लाह को महबूब है सारी, बड़ी मरगूब है अल्लाह को मखदूम की हस्ती। बुलंदी दो जहां में आपको अल्लाह ने बख्शी, मिसाली मर्तबा है और निहायत खूब है अशरफ, अली ओ फातिमा को खूब ही महबूब है अशरफ। नबी की आल है और बारिसे हसनैन है अशरफ, खुदाए पाक के वलियों के नूरे ऐन है अशरफ। किया है खानदा को आपके अल्लाह ने आला, हर इंसान खानदा का आपके है अजमतों वाला। हे वालिद हजरते मखदूम के सुल्तान समुना के, बड़े ही चाहने वाले थे वो इस्लाम ईमा के। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के वालिद, समनान के सुल्तान यानी बादशाह थे और खुदा और रसूल से बेहद मोहब्बत रखने वाले थे। समाप्त कीजिएगा आगे, थी उनके अदल और इंसाफ की शोहरत जहां भर में, हुआ करते थे उनकी आदतों के चर्चे घर घर में, इबादत में महब रहते थे हर दम खूब किस्मत की। खुदा ओ मुस्तफा से आपको बेहद मोहब्बत की, उन्हें अल्लाह ने तो पीर ओ अस्मत का गुहर बख्शा, उन्हें अल्लाह ने तो पीर ओ अस्मत का गुहर बख्शा, उन्हें अल्लाह ने तो पीर ओ
जनाबे हजरते मखदूम अशरफ साहब सरबत जनाबे हजरते मखदूम अशरफ तौकीरो अजमत का गुहर बख्शा जनाबे हजरते मखदूम अशरफ का पिसर बख्शा। उसके बाद आपकी पढ़ाई लिखाई किस तरह होती है समाप्त कीजिए दूसरा बंद। पढ़ाई दी उन्होंने दीन की हजरत को बचपन से किया वाकिफ इन्हें इस्लाम से हर इल्म हर फन से कोई जिस वक्त के उम्रे मुबारक 7 साल की पुराने पाक के हाफिज बने और बन गए कारी जो पहुंची 15 साल आपकी उम्रे मुबारक को किया मखदूम के वालिद ने पर्दा छोड़ा दुनिया को जहां से कर गए पर्दा जो वालिद साथ की माँ के तो बैठे तख्त पर हजरत बने सुल्तान समना के हुआ फिर आपके इंसाफ का चारों तरफ चर्चा हर एक छोटा बड़ा इंसान बना शहदाई हजरत का शहनशाह की तरह थे देखने में आपके हालात मगर बातिन में थी अल्लाह वालों की तरह हर बात हुए एक रोज पाबीदा तो देखा पाप हजरत ने के हजरत खिज्र आए और फरमाया ये खुश हो के अगर ख्वाहिश तुम्हें ये है के आला मर्तबे पाओ जगह एक हिंदू में पंडो है फौरन वहां जाओ वहां है एक बुजुर्ग आला इबादत काम है उनका वली है और अलाउद्दीन सुनिए नाम है उनका सुना जिस वक्त मुस्का ये तो खोली आंख हजरत ने खोली आंख हजरत ने खुशी के मारे झूम उठे बुलंदी पाई किस्मत ने खुशी के मारे झूम उठे बुलंदी पाई किस्मत ने खुशी के मारे झूम उठे बुलंदी पाई किस्मत ने आप एक ख्वाब देखते हैं उस ख्वाब में आपसे कोई कह रहा है कि अगर तुम्हें ये ख्वाहिश है हजरत खिज्र फरमा रहे हैं कि तुम आला मर्तबे पाओ तो हिंद में एक जगह पंडवा है वहां फौरन चले जाओ वहां एक बुजुर्ग हैं जिनका आला मकाम है और इबादत काम है उनका नाम है अलाउद्दीन आपने जिस वक्त ये मुद्दा हजरत खिज्र से सुना और आंख खुली तो खुशी के मारे झूम उठते हैं और उसके बाद क्या होता है समाज फरमाए उतारा आपने सर से रखा था ताज जो सर पर लगाई तख्ते शाही को शह समनान ने ठोकर सभी सामान इशरत और शाही महल को छोड़ा खुशी के साथ खासो आम रिश्ता आपने तोड़ा
जमाने की मोहब्बत आपके दिल से गई सारी, फकत इश्क़े खुदा अच्छा लगा भाई न सरदारी। हुई साया फिगन रहमत शहंशाहे रिसालत की, बफजले की बुरिया होने लगी बरसात रहमत की। खुदा ओ मुस्तफा का हो गया ये शाह दीवाना, रखा सर पर बड़े ही नाज से ताजे फकीराना। खुशी से फिर शहे समनान ने रहते सफर बांधा, चले हिंदोस्तां को और किया तकदीर को आला। सफर की मुश्किलें बर्दाश्त की और हिंदू में आए, तैयारे पीर में पहुंचे अदब उनका बजा लाए। करी खिदमत तो खादिम से बने मखदूम समनानी, बने अल्लाह हवाले कर दिया मुर्शिद ने लासानी। गुजारे साल बारहा मुर्शिदे बरहक की खिदमत में, सितारे ही सितारे भर लिए दामान किस्मत में। या जामे विलायत कर दिया मसरूर मुर्शिद ने, या जामे विलायत कर दिया मसरूर मुर्शिद ने, या जामे विलायत कर दिया मसरूर मुर्शिद ने। किया मखदूम को मिसले कमर पुर नूर मुर्शिद ने, या मखदूम के बाद आप अपने सर से बादशाहत का जो ताज था उसको ठोकर लगाते हैं और फकीराना लिबास पहन लेते हैं, हिंदुस्तान की तरफ समनान से कूच फरमाया और आखिरकार आप अपने पीरो मुर्शिद के दियार में आ जाते हैं। 12 साल पीरो मुर्शिद की जब खिदमत की हजरत मखदूम समनानी ने, तो आपके पीरो मुर्शिद आपको जामे विलायत अता करते हैं और आप कादिम से मखदूम बन जाते हैं। उसके बाद क्या होता है समाप्त कीजिए हजरत। कहा एक दिन बड़े ही प्यार से मुर्शिद ने ऐ प्यारे, करीब आओ मेरे तस्कीन जाओ दिल ऐ मां पारे। करीब आए तो मुर्शिद ने लगाया अपने सीने से, नवाजा खूब खूब उनको विलायत के खजीने से। शिबी को चूम कर ताजे खिलाफत रख के फरमाया, बताऊं काम जो तुमको जरूर अंजाम वो देना। मेरा ये हुक्म है के बस्तियों में जा बजा जाओ, वहां जो लोग हैं उनको खुदा की राह दिखलाओ। नबी का इश्क दीजे और वहदत का सबक दीजे, शरीयत का सबक दीजे तरीकत का सबक दीजे। मिला ये हुक्म जब पीरे तरीकत का इजाजत ली, सलामी पेश की और राह हक के हो गए राही। किया करते थे जाकर बस्तियों में जा बजा तकरीर, जहां वालों ने पाया रहनुमा और एक अच्छा पीर। समात करते थे इंसान जो तकरीर हजरत से, हुआ करते थे माला माल वो ईमा की दौलत से। बयानो बाज फरमा ते हुए फिर जा बजा हजरत, कछौछा पहुंचे और पक्षी कछौछा को बड़ी अजमत। इस तरीके से हजरत
मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी अपने पीरो मुर्शिद के हुक्म के मुताबिक जा बजा बस्तियों में तकरीर करते हुए और लोगों को अल्लाह और रसूल की बताए हुए रास्ते पर अमल करने की हिदायत देते हुए कछोछा तशरीफ ले आते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, आइए सुनते हैं। बयानों बाजू फरमाते हुए फिर जा बजा हजरत कछोछा पहुंचे और बख्शी कछोछा को बड़ी अजमत। करम और पैद का दरिया शहे समना बहाते थे, गिरा करते थे उसमें आबिशार अल्लाह की रहमत के। नजर आते थे आशिक खूब उनके हर सू शोहरत की, खुदाए पाक की उन आशिकों पर खास रहमत की। शहे समनान के लुत्फों करम का बोलबाला था, शहे समनान के लुत्फों करम का बोलबाला था, शहे समनान के लुत्फों करम का बोलबाला था। उन्हीं के नूर का चारों तरफ फैला उजाला था, समनान के लुत्फो करम का बोलबाला था और उन्हीं के नूर का चारों तरफ फैला उजाला था। हजरत एक दिन का वाकया मैं पेश कर रहा हूँ। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी किसी काम से जा रहे थे तो रास्ते में आपको कुछ चरवाहे मिलते हैं, यानी जानवर चराने वाले, जो झूठ बोलने के आदि थे। उन्हें कुछ शरारत सूझी और उन्होंने मखदूम अशरफ समनानी से क्या कहा, समाज फरमाइए, ये बड़ा प्यारा वाकया। कहीं को जा रहे थे आप एक दिन काम से कोई, तो रस्ते में मिले चरवाहे जो थे झूठ के आदि। उन्हीं से रास्ता मंजिल का पूछा आपने अपनी, बताई राह गलत मखदूम को उनको हंसी सूझी। कहा हंसकर बनाएंगे हंसी ये वापस आएंगे, जनाब इस रास्ते में एक बड़ा तालाब पाएंगे। जो पहुंचे पास उस तालाब के तो फिर हुआ ऐसा, लिया नामे खुदा तालाब में रखा कदम अपना। किया मखदूम ने तालाब पार कुरान के अंदर, हुए ये देख कर चरवाहे सबके सब रफू चक्कर। हंसी फिर एक जगह लोगों को सूझी और किया ऐसा, कफन एक जिंदा लड़के को पहनाया और ये समझाया। जनाजे की नमाज अशरफ पढ़ाने को खड़े हूँ जब, तो उठ के भाग जाना खोल देना राग उनका तब। फिर उस जिंदा जनाजे को लिए हजरत के पास आए, करी यूं इल्तिजा हजरत जनाजा हम ये हैं लाए। नमाज इसकी पढ़ा दीजिए रखी है सामने मैयत, हुई थी मौत ये कुछ देर पहले नागहां हजरत। कहा मखदूम अशरफ ने मुझे तुम यूं न बहकाओ, हसी दुर्वेश से तुम मत करो जाओ चले जाओ। आप फरमाते हैं कि देखो तुम मुझे बहकाने की कोशिश मत करो, दुर्वेश से ये हंसी तुम्हें महंगी पड़ सकती है। लेकिन जब उन लोगों ने इकरार किया कि हजरत आप तो इसके जनाजे की नमाज पढ़ाइए, तो हजरत मखदूम अशरफ समनानी ने जब उसकी नमाज पढ़ाई तो क्या वो उठकर भागा जिंदा लड़का, जरा सुनिएगा।
किया इसरार उन अशखास ने जब ज्यादा हजरत से तो हजरत ने नमाज उसकी पढ़ाई क़िबला रूहों के मगर भागा नहीं उठकर वो हर इंसान हैरान था जो देखा खोल कर मुंह तो हकीकत में ही बेजा था जुबाने पाक से हजरत की उस दम लफ्ज ये निकले कि इस बस्ती में मर जाया करेंगे सब जवां होके हुआ ये हाल फिर तो जो जवां होता वो मर जाता बला नाजिल हुई हर शख्स बस्ती छोड़ कर भागा नहीं आबाद उस बस्ती में अब कोई भी इंसान है नहीं आबाद उस बस्ती में अब कोई भी इंसान है नहीं आबाद उस बस्ती में अब कोई भी इंसान है हुई मुद्दत वो बस्ती आज तक वीरा की वीरा है पढ़ाई और वो जिंदा नहीं बल्कि वाकई मर गया और आपने अपनी जुबाने पाक से ये कहा कि इस बस्ती में जो भी नौजवान लड़का होगा वो मर जाया करेगा फिर तो ये हाल हो गया वहां पर एक बला नाजिल हुई और हर शख्स वो बस्ती छोड़कर भाग गया आज तक वो बस्ती दोबारा आबाद नहीं हुई लेकिन हजरत की कुछ और करामाते मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं समाप्त कीजिएगा जहां में आपके इल्म व अमल की हर सुशोहरत थी बजा करते थे डंके आपके सबको अकीदत थी हुई एक रोज हाजिर एक बुढ़िया एक पिसर लेकर गिरी कदमों में आकर और बोली करके आंखें तर यकीन है आप पर पूरा अकीदत है मुझे सच्ची दुआ जो आप मांगोगे खुदा फरमाएगा पूरी दमे रुख्सत है मेरे लाडले का देखिए मखदूम बहुक्मे किबरिया कुछ जिंदगी दे दीजिए मखदूम जो देखा आपने लड़का तो बेहद खस्ता हालत है कहा अब जिंदगी इसकी नहीं ये वक्त रुख्सत है आप फरमाते हैं उस लड़के को देखकर कि अब इस लड़के का आखिरी वक्त है लेकिन ये सुनकर वो बूढ़ी माँ गिड़गिड़ाती है और क्या कहती है समाप्त कीजिएगा ये सुनकर गिड़गिड़ाई और कहा इसको शिफा दीजिए खुदा के हुक्म से कुछ जिंदगी इसकी बढ़ा दीजिए किया इकरार बुढ़िया ने शहे समना से जब ज्यादा तो अपनी जिंदगी देने का उससे कर लिया वादा कहा 10 साल अपनी जिंदगी इसको अता कर दी रहेगा 10 बरस तक बाहया किसको दुआ कर दी दुआ मखदूम की अल्लाह ने मकबूल फरमाई और उस छोटे पिसर ने जिंदगी 10 साल की पाई जहां में आपके जूदो सखा का नाम है मखदूम मखदूम
खुदा का आप पर इनाम और इकराम है मखदूम। खुदा का आप पर इनाम और इकराम है मखदूम। खुदा का आप पर इनाम और इकराम है मखदूम। तरीके से आप के जूदो सखा की धूम दुनिया में हुई, लेकिन आपके दिल में यह ख्याल आया कि अब मैं हज बैतुल्लाह जाऊंगा, तो किस तरीके से हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी हज के लिए रवाना होते हैं सुनिएगा। बड़े आराम से रहते रहे हजरत कचोचा में, के उनके मानने वाले हजारों शख्स दुनिया में, रहा करते थे काफी लोग हर दम उनकी खिदमत में। जमाने को भुलाया था शहे समना की उल्फत में, उठा एक रोज ये जज्बा शहे समना के सीने में। करूं मैं हज बैतुल्लाह और जाऊं मदीने में, खुशी से हजरत मखदूम ने रखते सफर बांधा। लगाया नारे तकबीर का एक जोर से नारा, खुदाए पाक की रहमत के बादल छा गए उन पर। बड़े ही प्यार से चूमा फरिश्तों ने रुके अनवर, किया मरहूब पानी का जहाज अल्लाह के प्यारे ने। सफर जारी किया सद शौक इस रोशन सितारे ने, चला लेकर सभी को जानिबे मंजिल जहाज उनका। खुले उम्मीद उनका हक ताला ने खिलाया था, अचानक वक्त आया एक दौरान सफर ऐसा। सफर के दौरान एक वक्त ऐसा आया कि हवा रुक जाती है, उल्टी हवा चलने लगती है और वो जहाज ठहर जाता है। लेकिन अचानक वक्त आया एक दौराने सफर ऐसा, रुकी बादे मवाफिक और जहाज उनका वहीं ठहरा। रही बादे मवाफिक तीन दिन तक बंद ही, फिर तो परेशान थे मुसाफिर और हैरानी हुई सबको। परेशानी बढ़ी हर शख्स को हद से कहीं ज्यादा, हुई हालत खराब हो गया गमगीन हर चेहरा। हुए नाचार और मजबूर बेबस सब मुसाफिर, जब करी यूं इल्तिजा मखदूम अशरफ से सभी ने, तब जो चाहो आप तो वक्ते मुसीबत आज टल जाए, इशारा कीजिए बादे मुवाफिक को के चल जाए। इशारा आपने बादे मुवाफिक को किया फौरन, चली बादे मुवाफिक और जहाज उनका चला फौरन। हर एक दिल में बढ़ी फिर तो अकीदत शाह समना की, हर एक दिल में बढ़ी फिर तो अकीदत शाह समना की, हर एक दिल में बढ़ी फिर तो अकीदत शाह समना की। चला करती है हर शय पर हुकूमत शाह समना की, चला करती है हर शय पर हुकूमत शाह समना की, चला करती है हर शय पर हुकूमत शाह समना की, चला करती है हर शय पर हुकूमत शाह समना की, चला कर। मुअज़्ज़िज़ सामईन हज़रात, हाजी तस्नीम आरिफ यूं तो आपको दीन इस्लाम के एक से एक हसीन वाक़े सुनाते ही रहते हैं, तो लीजिए सामईन
मैंने इस बार कोशिश की है कि आपकी मालूमात में मजीद इजाफा किया जाए, और मैं आपको एक ऐसा वाकया सुनाऊं जिससे आप ये जाने कि हमारे हुजूर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नस्ल पाक कैसे शुरू हुई और आप की कितनी औलादें हैं, बेटियां कितनी हैं, बेटे कितने हैं, किस किस की शादी किसके साथ हुई बेटियों में, और बेटे कितनी कितनी उम्र में फौत हो गए। ये वाकया मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ जिसको लिखा है जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने, म्यूजिक से संवारा है राजू खान ने। ये पेशकश है ताज इस्लामिक यूट्यूब चैनल की और रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। तो लीजिए हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज में दीन इस्लाम का एक और हसीन वाकया जिसका उन्वान है वाकया नस्ले सरकारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुलाहिज़ा कीजिए, ये एक बहुत ही मालूमाती वाकया जिसको मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। नसब आला है अनवार, हर एक बात आली है। नसब आला है अनवार, हर एक बात आली है। नसब आला है अनवार, हर एक बात आली है। मोहम्मद मुस्तफा की नस्ल तैयब शान वाली है। मोहम्मद मुस्तफा की नस्ल तैयब शान वाली है। नसब आला है अनवार, हर एक बात आली है। नसब आला है अनवार, हर एक बात आली है। नसब आला है अनवार, हर एक बात आली है। मोहम्मद मुस्तफा की नस्ल तैयब शान वाली है। मोहम्मद मुस्तफा की नस्ल तैयब शान वाली है। हाशिम थे पर दादा नबी के नेक इंसान थे। सखी आला थे वो अफराद मक्का पर मेहरबान थे। मदद करते थे लोगों की कहत जिस वक्त पड़ता था। थे वो काबे के सज्जादा नशी, हर काम अच्छा था। हुई फिर आपकी शादी जो एक खातून सलमा से। चमन में आ गई उनके बहारे फजले मौला से। बतन से उनके अब्दुल मुत्तलिब फिर हो गए पैदा। उम्र 25 की थी हाशिम ने एक दिन ये जहां छोड़ा। मनाया सोग सलमा ने बड़ा उनको हुआ सदमा। के अब्दुल मुत्तलिब थे गोद में दिल हौल खाता था। वो अपने बाप के घर थी मदीना शहर के अंदर। नजर आता न था कोई सहारा दहर के अंदर। घर नाना के अब्दुल मुत्तलिब तैबा में पलते थे। नहीं थे बाप शब दिन रंज के सांचे में ढलते थे। बरस जब 8 गुजरे आप मक्का में चले आए। बरस जब 8 गुजरे आप मक्का में चले आए। बरस जब 8 गुजरे आप मक्का में चले आए। रहे फिर खानदान वालों में फुरकत उन
उनको दे आए। कदम रखा तो फिर शादी हुई उनकी, बने सरदार मक्के के कदरदानी हुई उनकी। निजामत आपके हाथों में दे दी सबने काबे की, फिजाएं शोखियां करने लगी हर आन मक्के की। इबादत में खुदाए पाक की मसरूफ रहते थे, बशर मक्के के आबिद और जाहिद उनको कहते थे। नरम दिल थे मगर हर शख्स उनके आगे झुकता था, नबी का नूर पेशानी में हर लम्हा चमकता था। कई बेटे दिए अल्लाह ने उनको शान कुदरत से, उन्हीं में एक अब्दुल्लाह भी थे रब की रहमत से। सभी बेटों से अब्दुल मुत्तलिब को यूं तो रग़बत थी, मगर उन सब में अब्दुल्लाह से ज्यादा मोहब्बत थी। वो सबसे ज्यादा उनको चाहते थे, प्यार करते थे। बड़े नाज़ा थे किस्मत पर, खुशी से दिन गुजरते थे। जवानी आई अब्दुल्लाह पर, शादी हुई उनकी। जवानी आई अब्दुल्लाह पर, शादी हुई उनकी। जवानी आई अब्दुल्लाह पर, शादी हुई उनकी। जनाबे आमना से खाना आबादी हुई उनकी। जनाबे आमना से खाना आबादी हुई उनकी। मुस्तफा दुनिया में आए इश्क में मादर से, मुबारकबाद की आई सदा मक्के के हर घर से। नबी के आने से पहले ही वालिद ने जहां छोड़ा, हुए अल्लाह को प्यारे वो हर एक महरूबा छोड़ा। शहे कौनैन का गम से भरा दौरे यतीमी था, यूं ही परवान चढ़ते थे ये सब होना जरूरी था। उम्र 25 बरस की आ गई जब फजले मौला से, हुई शादी नबी पाक की बीबी खदीजा से। सफर कटता रहा फिर जिंदगी का शाहबत हाथी, मुकद्दस बीबियां दुल्हन बनी सरकार वाला की। मेरे आका ने 11 बीवियों से अक्द फरमाया, ये सब अल्लाह की मर्जी थी पता हमने यही पाया। अदब लाजिम है इनका ये सभी माएं हैं उम्मत की। कुरान पाक देता है सनद इन सब की अजमत की, उन्हें प्यारे नबी ने अपनी सोहबत
से नवाजा है, उन्हें प्यारे नबी ने अपनी सोहबत से नवाजा है, उन्हें प्यारे नबी ने अपनी सोहबत से नवाजा है। बड़ी तकदीर वाली है, मुकद्दर उनका आला है, बड़ी तकदीर वाली है, मुकद्दर उनका आला है, बड़ी तकदीर वाली है, मुकद्दर उनका आला है। खुदा ने सात औलादें शहे लौलाक को दी थी, उनमें तीन बेटे आपके और चार बेटी थी, जनाबे हजरते कासिम व इब्राहिम अब्दुल्ला, यही थे साहबजादे सरवरे कौनैन के वल्ला, थी बेटी एक ज़ैनब दूसरी हजरत रुकैया थी, नबी की एक बेटी उम्मे कुलसूम और जहरा थी, ये चारों बेटियां थी बाहया सरकार वाला की, थी सबसे छोटी बेटी फातिमा शाहे मदीना की। बयां तफसील से सुनिए नबी की नस्ल अतहर का, जहां में है नहीं सानी कोई महबूबे दावर का, है पहले बेटे कासिम आपके अल्लाह की रहमत से, हुए मक्के में पैदा कबल ऐलाने नबूवत से, रहे ये दो बरस दुनिया में रुखसत हो गए एक दिन, अचानक मौत इनकी हो गई और सो गए एक दिन, हुए फिर हजरते अब्दुल्ला पैदा शहर मक्का में, हुए फिर हजरते अब्दुल्ला पैदा शहर मक्का में, हुए फिर हजरते अब्दुल्ला पैदा शहर मक्का में, खुशी की लहर करवट ले रही थी रूहे आका में, खुशी की लहर करवट ले रही थी रूहे आका में, खुशी की लहर करवट ले रही थी रूहे आका में। लोग ना वाकिफ थे इजहारे नबूवत से, नबी को दूसरा बेटा मिला अल्लाह की रहमत से, है इनका नाम अब्दुल्ला लकब है तैयब ताहिर, जिसे जो चाहे रब कर दे अता हर शय पे है कादिर, खदीजा ताहिरा के खेलते थे आप आंगन में, खुदा को हो गए प्यारे वो एक दिन दौरे बचपन में, है सबसे छोटे बेटे हजरत इब्राहिम आका के, वो सन था आठवां हिजरत का और तैबा में हजरत थे, मकामे आलिया में मारिया के शिक्मे अकदस से, जहां में आए इब्राहिम जो फरजंद हजरत के, अबू राफे मदीना आ गए फिर ये खबर लेकर, गुलामी नाम में एक पालिया ये इत्तला देकर, जी
जबरील आए बाप इब्राहिम का कहकर। पुकारा सरवरे कौनैन को खुश हो गए सरवर। ज़िबह फरमाए तो मेंढे अकीके में पैगंबर ने। खुशी से नाम इब्राहिम रखा रब के दिलवर ने। खुशी से नाम इब्राहिम रखा रब के दिलवर ने। खुशी से नाम इब्राहिम रखा रब के दिलवर ने। के लिए फिर दूध उम्मे सैफ को देकर चले आए नबी और जाया करते थे वहां अक्सर। गए एक रोज उम्मे सैफ के घर शाह बहरोबर। सहाबी थे अनस हमराह खुश थे रब के पैगंबर। जनाबे हजरत इब्राहिम से ये मिलने आए थे। वहां जो हाल था उसने सभी के दिल हिलाए थे। थे इब्राहिम लेटे जागनी का वक्त था उन पर। न जब तक सांस टूटी मौत का साया रहा उन पर। मंजर देख के प्यारे नबी की आंख भर आई। गिरे आंखों से आंसू चाहते दिल से उभर आई। कहा ए लाल मैं गमगीन हूं तेरी जुदाई से। दफन फरमाया फिर उनको बकी में जाने रहमत ने। आई थी इब्राहिम 18 महीने के। नबी के साहबजादों में सभी से आप छोटे थे। ज़बां पर जिक्र अब आका की चारों बेटियों का है। ज़बां पर जिक्र अब आका की चारों बेटियों का है। ज़बां पर जिक्र अब आका की चारों बेटियों का है। सुनो ए मोमिनो असमत की उन शहजादियों का है। सुनो ए मोमिनो असमत की उन शहजादियों का है। सुनो ए मोमिनो असमत की उन शहजादियों का है। हजरत ज़ैनब ये मक्के में हुई पैदा। नबी थे 30 सालों के न इजहारे नबूवत था। हुआ ऐलान तो ज़ैनब ने फौरन पढ़ लिया कलमा। बदर के बाद हिजरत करके ज़ैनब आ गई तैबा। इनकी शादी इनके खाला साद भाई से। हुआ था सब खदीजा ताहिरा की रहनुमाई से। मुसलमान हो गई थी आप पर शौहर वो शर पर था। अड़ा था कुफुर पर कुछ भूत ऐसा उसके सर पर था। परेशानी उठाई है बहुत ज़ैनब ने हिजरत में। कटे हैं जिंदगी के दिन
बड़े दौरे मुसीबत में, मुहर्रम सात हिजरी में मुसलमान हो गए शौहर, चले आए मदीना साथ जैनब के रहे शौहर, वफाते हजरते जैनब हुई सन आठ हिजरी था, कफन तहबंद नबी का उस घड़ी मैयत पे उनकी था, उतारा सरवरे आलम ने उनको कब्रे अनवर में, उतारा सरवरे आलम ने उनको कब्रे अनवर में, उतारा सरवरे आलम ने उनको कब्रे अनवर में, गमों का था बसेरा मुस्तफा के कल्बे अतहर में, गमों का था बसेरा मुस्तफा के कल्बे अतहर में, मुस्तफा के कल्बे अतहर में। जन्म मक्के की धरती पर हुआ हजरत रुकैया का, नबी 33 बरस के थे रुकैया जब हुई पैदा, शुरू था दौरे इस्लामी उन्होंने पढ़ लिया कलमा, लिखा है बूलहब का उत्बा नामी जो के बेटा था, इसी से अब्द इनका हो गया थी रुखसती बाकी, खुदा ने भेज दी सूरह लहब ये बात थी बाकी, जो देखी बूलहब ने अपनी रुसवाई तो ये बोला, रुकैया को ए बेटे दे तलाक, उसने दहन खोला तलाक, तुबा ने सुनते ही तभी दे दी रुकैया को, नबी ने अक्द उस्मा में दिया बीबी रुकैया को, अतीबा दूसरा बेटा ए लोगों बूलहब का था, निकाह उससे नबी ने अपनी बेटी का कराया था, था इसमें पाक उनका उम्मे कुलसूम तीसरी थी वो, अभी तक रुखसती बाकी थी घर ही रह रही थी वो, तलाक इनको भी उस जालिम अतीबा ने अता कर दी, तलाक इनको भी उस जालिम अतीबा ने अता कर दी, तलाक इनको भी उस जालिम अतीबा ने अता कर दी, खुदा ने कुफुर के दामन से शम्मे अब जुदा कर दी, खुदा ने कुफुर के दामन से शम्मे अब जुदा कर दी, दामन से शम्मे अब जुदा कर दी, रुखसत जहां से वक्त वो आया, रसूल अल्लाह ने उस्मा से इनका अब्द फरमाया, बिलाखिर ये भी एक दिन चल बसी दुनिया से मुंह मोड़ा, जनाजा दफन फरमाया शहे लौलाक ने उनका, सरकार की आई जो 41 सालों की, हुई फिर फातिमा जहरा ये सबसे छोटी थी बेटी, मरातिब इनके आला हैं, लकब जहरा है हजरत का,
भर में शोहरा है यकीनन इनकी असमत का। है जितनी औरतें उन सब में ये सरदार औरत है, करेंगी रश्क इन पर वो सभी जो अहले जन्नत है। कहा है मुस्तफा ने फातिमा मेरी चहीती है, ये रखना याद ये मेरे बदन की एक बोटी है। इसे नाराज जिसने कर दिया तो ये समझना तुम, मुझे नाराज उसने कर दिया ये याद रखना तुम। निकाह इनका किया हजरत अली से प्यारे आका ने, निकाह इनका किया हजरत अली से प्यारे आका ने, निकाह इनका किया हजरत अली से प्यारे आका ने। फजाएं मुस्कुराती थी करम फरमाया मौला ने, छह महीने बाद जहरा ने जमाने से किया पर्दा अली की प्यारी जौजा ने। ये सच है तीन थी तारीख रमजा के महीने की, वफात इनकी हुई रोने लगी हर शह मदीने की। हुई मदफून फिर जाकर बकी में बिनते पैगंबर, बरसती थी खुदा की रहमतें कब्रे मुबारक पर। सभी हजरत खदीजा से थे जो बच्चे नबी के थे, फकत एक हजरत इब्राहिम बीबी मारिया से थे। ये थी नस्ले मोहम्मद मुस्तफा लोगो जमाने में, बहुत सी कोशिशें की हैं ये सब तुमको बताने में। यही मकसद था इनका तज़किरा तुमको सुनाना था। नबी के कितने बेटे बेटियां हैं ये बताना था। मुसलमानों अदब इनका करोगे फैज पाओगे, मोहब्बत से इन्हीं की गुलशन जन्नत में जाओगे। तुफैले मुस्तफा अनवार पर भी तू करम करना, तुफैले मुस्तफा अनवार पर भी तू करम करना, तुफैले मुस्तफा अनवार पर भी तू करम करना। खताएं बख्श देना हश्र में या रब रहम करना, खताएं बख्श देना हश्र में या रब रहम करना।